बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये लेक्चर नंबर 29 है MTH 101 का। इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो चौड़ाई है या विड्थ है, ठीक है, वो इक्वल होती है, उसको कहते हैं रेगुलर पार्टीशन। जब ये डेल्टा एक्स लिखा होगा ना, तो इससे मुराद क्या है कि ये विड्थ हर रेक्टेंगल की क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पार्टीशन किसकी, ठीक है, पूरे ग्राफ के अंदर जितने भी आपके पास इंटरवल्स बनते हैं या एरिया जो है, यानी उसको जितनी रेक्टेंगल्स में आपने डिवाइड किया होगा सबकी चौड़ाई सेम होगी, इसका ये असल मतलब होता है। लेकिन बाज़ुकात ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास आप आधे ग्राफ को जो करते हैं, आधा ग्राफ लेके, तो उसके अंदर जो रेक्टेंगल्स हैं उनकी डिफरेंट किस्म की चौड़ाइयाँ रख देते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि ग्राफ का पैटर्न जो होता है ना, वो प्रॉब्लम कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सबकी सेम रखें तो जो लंबाई होती है ना ऊपर, ये बाहर निकल जाती है ग्राफ से, जिस तरह पीछे आपने देखा। तो आप ग्राफ के एक हिस्से के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल्स बनानी है उनकी चौड़ाइयाँ सबकी डिफरेंट होती है, और दूसरे हिस्से के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल है उसकी चौड़ाई क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रख लेते हैं, इसको कहते हैं मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। अब ये जो आपके पास हैं ए से बी तक, यही पहली रेक्टेंगल है, या दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये क्या आठवीं, ठीक है। तो हर एक की चौड़ाई डिफरेंट है। पहली रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो होगी डेल्टा एक्स वन, दूसरी की क्या होगी डेल्टा एक्स टू, तीसरी की डेल्टा एक्स थ्री, आखिर में चलते हुए क्या होगी इसकी क्या होगी डेल्टा एक्स एन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल होगी, यानी मुराद क्या, जिस रेक्टेंगल की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगी उसको कहते हैं मैश साइज, ये लिखा हुआ है MESH साइज, ठीक है। यहाँ इसको कहते हैं मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स के। एक्स के से मुराद है के की जो वैल्यू पुट करोगे, वन करो, टू करो, एन करो, उनके अंदर जो सबसे बड़ी चौड़ाई होगी उसको कहते हैं मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स के, और इसको मैश साइज कहते हैं, किसका, पार्टीशन का, ठीक है। लार्जेस्ट सब इंटरवल विड्थ, दी सब इंटरवल्स आर सेट टू पार्टीशन द इंटरवल एंड द लार्जेस्ट सब इंटरवल विड्थ इज कॉल्ड द मैश साइज ऑफ द पार्टीशन, दिस इज डिनोटेड बाय मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स। अब इसकी एक मिसाल उसने ये बताई, आप फर्ज करो क्या था, इंटरवल 0 से 6 तक था, ठीक है। तो आपने पहली की जुड़ाई क्या रख ली, ये रख ली, दूसरी की ये रख ली, तीसरी की ये कर ली, उसमें सबसे मैक्सिमम किसकी है, डेल्टा एक्स है, थ्री। डेल्टा एक्स थ्री से क्या मुराद है, जो तीसरी रेक्टेंगल है उसकी जुड़ाई सबसे ज़्यादा है, किन में, इन चारों के अंदर, ठीक है। वो कितनी है, 2 यूनिट की, और किसी का भी डिफरेंस 2 यूनिट नहीं आएगा। आगे बात समझ में, तो पढ़ते इसको क्या है, रीड ऐसे पढ़ते हैं, मैक्सिमम ऑफ द डेल्टा एक्स के, यानी जितनी चौड़ाइयाँ उनमें से जो सबसे ज़्यादा है उसकी बात वो कर रहा है। अगला काम तो वही है जो आपने पीछे भी किया हुआ है कि चौड़ाई और ये क्या है, लंबाई है। हालांकि चौड़ाई आती तो एक नंबर ही है ना, लेकिन फिर भी आपको मैंने पिछले वो डिटेल में पढ़ लेना 28 के, ये लेफ्ट हैंड पॉइंट था, ये राइट हैंड पॉइंट था, और ये मिड पॉइंट था रेक्टेंगल का, सारा डिटेल में बताया हुआ। अब तो सिर्फ आगे एक्सटेंशन बतानी, या फिर वो एक चीज़ और सपोज कर लेता, वो कहता कि अगर हम यही फ़र्ज कर लेते, बाकी तो वही है ना, चौड़ाई को लंबाई से मल्टीप्लाई करोगे, एक रेक्टेंगल का एरिया है जो केथ है, इस तरह की जितनी भी रेक्टेंगल हैं उन सब के एरियाज निकाल के उनको आपस में क्या करना है, सम, कितनी रेक्टेंगल हैं, एन रेक्टेंगल हैं। अब हम फ़र्ज़ करते हैं जो मैक्सिमम चौड़ाई वाली रेक्टेंगल है ना, अगर हम फ़र्ज़ करते हैं उसकी चौड़ाई ही हम किस तरफ ले जाते हैं, ज़ीरो की तरफ, अब इसकी सेंस क्या है, ठीक है। सेंस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई वाली जो लेनी रेक्टेंगल है उसकी भी चौड़ाई क्या लो आप, ठीक है, ज़ीरो के करीब लो, यानी दो चीज़ों का उसके अंदर ये जो चौड़ाई है, ठीक है, इतनी ना लो, बल्कि इसको और करीब लाओ, और करीब लाओ, और इतना करीब लाओगे वो आपस में चौड़ाई ही ज़ीरो के करीब हो जाए। जब चौड़ाई ज़ीरो के करीब हो जाती है तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट है, तो चौड़ाई ज़ीरो मतलब ये जब हम कहते हैं, पहले इसकी मीनिंग समझ लेना कि डेल्टा एक्स के जो है, ये डेल्टा एक्स के, ठीक है, ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच कब करेगा, जब आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स कहते हैं किसको, बी माइनस ए ओवर एन तो डेल्टा था, तो अब हर एक की तो डिफरेंट आनी है आपके पास, ठीक है। तो वो कहता है कि इसका जो जो आंसर होता है डेल्टा एक्स का, ठीक है, ये आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, जो इनमें सबसे मैक्सिमम होगी,
ठीक है, वो डेल्टा एक्स वो आपको चौड़ाई, जिस तरह ये है फर्ज करो कि ये एट्थ है ना, इसकी भी वो चौड़ाई कहता है क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, यानी क्या मुराद है, मुराद ये है कि इसकी ज़ीरो के करीब होनी चाहिए। तो असल में वो आपको एक बात समझाना चाह रहा है, बात वो ये करना चाह रहा है कि आप जब सबसे बड़ी चौड़ाई जो है वो भी ज़ीरो के करीब लोगे तो इसका मतलब क्या, बाकी सारी ऑटोमेटिकली ज़ीरो के करीब होंगी चौड़ाइयाँ, ठीक है। तो फिर ये जो आप लिखते हो, पीछे तो आपने ये लिखा था, इसके पीछे आप क्या लिखते थे, लिमिट क्या लिखते थे आप, ये वाला लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अगर आप पीछे में अभी आपको पेज पे दिखाऊं तो वो क्या आपको शो करेगा, यहाँ लिमिट क्या थी आपकी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, मुराद क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल्स बनानी थी, और अब यहाँ पर क्या, ये तो उसी तरह ही ना, ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल बनाओ, तो यहाँ वो क्या कर रहा था, और यहाँ पर एक चीज़ थी कि डेल्टा एक्स क्या था, कॉन्स्टेंट था तमाम रेक्टेंगल्स के लिए, ठीक है, इसलिए इसको बाहर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, कि डेल्टा एक्स के साथ के है, इसको हम बाहर नहीं समेशन से लिख सकते, क्योंकि हर रेक्टेंगल के लिए चौड़ाई डिफरेंट होनी है, और जो इन रेक्टेंगल्स के अंदर सबसे मैक्सिमम चौड़ाई है, मैक्सिमम जो डेल्टा एक्स है यानी मैक्सिमम चौड़ाई वाले रेक्टेंगल है, उसकी चौड़ाई भी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो की तरफ जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, बाकी भी जो आपके पास क्या होंगी रेक्टेंगल, उनकी चौड़ाई ऑटोमेटिकली ज़ीरो के करीब होंगी, ठीक है। इससे आगे अगली चीज़ है, वो ये कहता है कि अगर किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, यानी सारा वाई एक्स एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है ये ग्राफ, ये उसका एरिया आ जाएगा, तो इस एरिया को एक और तरीके से भी निकाला जाता है, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इसको फिर आगे भी डिफाइन किया जाता है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में फ़र्क क्या होता है, अगर ये लोअर और अपर लिमिट ना हो तो वो इनडेफिनेट होता है, अगर लोअर और अपर हो तो उसको डेफिनेट कहते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास ग्राफ, तो अगर आप इसको गौर से देखो तो इसकी ये वाली दो साइडें क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये वाली क्या है, नॉन पैरेलल है। तो ये एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया पिछले सवाल में भी आपको बताया क्या होता था, 1/2 बेस, बेस क्या होती है, 4 में से 2 माइनस करो 2 आ जाएगा, फिर क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये आपके पास साइड एक है, ये दूसरी है, एक्स की वैल्यू 2 इधर पुट करो तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1, फिर प्लस क्या होता है, दूसरी साइड जो है, ठीक है, उसके नीचे एक्स फोर है, वो 4 इधर पुट करो, 4 माइनस 1 वो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, यानी ये कितनी है, ये बेसिकली लंबाई 1 है और ये कितनी है, 3। तो बेस क्या है, वो इधर ही पुट करके आई है, तो हाफ बेस 4 माइनस 2 किया और सम ऑफ पैरेलल साइड हल किया 4। तो अगर आप इसको वैसे भी हल करोगे, ये तो इसका है ना, तो रेमन सम के ज़रिए भी करोगे तो तब भी क्या आएगा इसका, पिछले लेक्चर में बताया तो है आपको, ठीक है। इसको रेमन सम कहते हैं, किसके लिए, जर्मन जो मैथमेटिशियन था, ठीक है, बर्नहार्ड रेमन इसका नाम था। एक अगली बात वो बताता है कि अगर ये ग्राफ जो है, पहले तो आपने सपोज किया पिछले थ्योरम में कि सारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर था, लेकिन ये क्या है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, फिर ऊपर होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना, हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना, जो ऊपर वाली हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन शो करना, जो नीचे वाली उनके साथ नेगेटिव, बस दैट्स इट, ठीक हो गया। ये दोनों ऊपर हैं, इनके लिए पॉजिटिव, ये दोनों नीचे हैं, इन दोनों के लिए नेगेटिव, फिर ये दोनों ऊपर आ गए, इनका एरिया पॉजिटिव होगा, अगर मैं इसको यूँ कर लो। ये भी वो बता रहा है कि ग्राफ ऊपर भी है, नीचे भी, ऊपर भी है, जिस तरह ये, इसको A1 कह लो, A2 और A3, करना तो अलजेब्रिक सम ही होता है। आगे फिर वो यही बताता है आपको, नेट एरिया क्या है, वही चीज़ दोबारा लिख दिए, किसकी शक्ल में, डेफिनेशन की शक्ल में है क्या, ए से बी, इफ़ द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड कैन एज्यूम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, पहले सिर्फ ऊपर और था, अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, देन द नेट साइंड एरिया ए बिटवीन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड द इंटरवल ए बी इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है। फिर बाकी सारी वही चीज़, आपने पहले एक चीज़ पढ़ी है, दोनों में फ़र्क देख लेना, आगे बात समझ में, यहाँ क्या था, एफ ऑफ एक्स सिर्फ पॉजिटिव के लिए बता रहा था, तब भी यही चीज़ आ रही है ना, और अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं तो तब भी यही डेफिनेशन है, इन दोनों सूत्रों में चलेगी, जिस तरह ये, ठीक है। पहले क्या था, y इज इक्वल टू x माइनस 1 था ना, अब y इज इक्वल टू 1 माइनस है, ग्राफ यूं बन गए, वैल्यूज फिर वही 2 ली, तो फिर अगर आप इसका निकाल तो एरिया दोनों तरह से निकालोगे तो आना तो फिर वही है, आप क्या तरीका है, ये पैरेलल साइड्स हैं, इसकी लंबाई क्या होगी, इसमें पुट करोगे आप, y इज इक्वल टू फंक्शन ही है ना, ये दिया हुआ 1 माइनस x, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, 1 माइनस 2 करोगे माइनस 1 आ जाएगा आंसर, यानी ये जो लंबाई नीचे की तरफ है ये क्या माइनस 1 है, फिर इसी के अंदर आप क्या पुट करो, x की वैल्यू 4 पुट करो,
तो क्या आंसर आ जाएगा 4 पुट करने के बाद? यहाँ पर पुट करने के बाद माइनस 4 कितना आ गया? माइनस 3। ठीक है, तो फिर आपके पास फार्मूला क्या होता है इसका? ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला? यही आप ट्रेपीजियम का फार्मूला लिखते हो ना, द सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पहले क्या होता है? हाफ बेस, और क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड। कि ट्रेपीजियम में बेस जो होता है, बेस किसे कहते हैं? ये 4-2 है, और पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये वाली पैरेलल है, यानी ये साइड इसके पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल तो नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या है? -1, और इसका आंसर क्या है? -3। उनका सम कर लो तो आंसर देखोगे तो क्या आएगा? ये 1/2 है, ये 2 है, इसको हल करो तो ये -4 है, तो टोटल आंसर क्या आ गया? -4। ठीक है, तो एरिया का नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं, या तो सारे का सारा ग्राफ ही क्या है एक्स एक्सिस से नीचे है, या बाजू का दी होता है कि ज़्यादा हिस्सा एक्स एक्सिस से नीचे होता है और थोड़ा सा हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर भी होता है। इस तरह अगर ग्राफ का आंसर पॉजिटिव आता है ना, तो उसके भी दो मतलब होते हैं, या तो सारे का सारा ग्राफ ही क्या है एक्स एक्सिस से ऊपर है, या बाजू का दी होता है कि ज़्यादा हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर है और थोड़ा सा हिस्सा एक्स एक्सिस से नीचे भी है, इसकी वो बात कर रहे हैं। बाकी ये डेफिनेट इंटीग्रल है वो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया, अभी आगे भी आ जाएगा। एक और चीज़ देखो, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विद डिस्कंटिन्यूटी। डिस्कंटिन्यूटी भी होती, क्योंकि यहाँ पर तो उसने जो थ्योरम दिया वो कंटिन्यूस के लिए बताया हुआ है। फॉर द टू डेफिनेशन है वी हैव सीन, दो जो आपने पढ़ ली है, एफ वाज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, कि कंटिन्यूस होना चाहिए, दिस गारंटीड दैट दे आर डिफाइंड एज लिमिट्स वुड ऑलवेज बी फाउंड सिंस द लिमिट्स एग्जिस्टेंस फॉर कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है? उसमें हर पॉइंट की उम्र लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो ही आपको पता है ना कंटिन्यूटी फंक्शन की क्या होती है। पहली होती है कि फंक्शन जो है वो किसी एक्स की वैल्यू जो है सी के ऊपर कंटिन्यूस है कि नहीं, तो उसमें पहली शर्त क्या होती थी कि जब आप फंक्शन की वैल्यू एक्स की जगह सी पुट करो तो ये डिफाइंड आना चाहिए। ये तो सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा हुआ है ना। दूसरा क्या होता था कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की, यानी सी को जब छोटी वैल्यू से अप्रोच करो तो वो बराबर होनी चाहिए इसकी राइट हैंड लिमिट की, यानी जब आप बड़ी वैल्यू से कम करते हुए इसको अप्रोच करो, जब ये होता था तो हम कहते थे सो लिमिट एग्जिस्ट करती है इसकी। ठीक है, वही आंसर होगा जो इसका आंसर है। ठीक है, फर्ज कर लो इसका आंसर जो भी आता है, अल्फा आता बीटा आता, वही इसका हो जाएगा 3, अगर ये आता है ये भी 3, और ये डिफाइंड वैल्यू भी आपके पास अगर 3 आ जाए तो होती, तो हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है, दोनों सेम है ना। ठीक है, कि एफ ऑफ सी किसके बराबर होता है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखते हैं? सो ये एफ ऑफ एक्स क्या है? कंटिन्यूस है, कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू सी, सी से गए मुराद है जो भी नंबर आपने लेना, 2 ले लो, 3 ले लो, ये तो वैसे फंक्शन के अंदर पुट करने का आंसर है। तो वो ये कह रहे हैं वहाँ लिमिट भी इफ़ एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस देन द एरिया मे और मे नॉट बी फाउंड एज द लिमिट ऑफ द सम मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपके पास क्या है? फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है तो फिर लिमिट भी नहीं निकाली जा सकती। वो निकाली भी जा सकती, बस का नहीं भी निकाली जाती, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए शर्त क्या है कि अगर पहली शर्त पूरी है दूसरी पूरी है, फ़र्ज़ करो यहाँ 3 आता है, यहाँ 4 आंसर आता, तो फंक्शन डिफाइंड भी होना था, लेकिन फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी थी, लेकिन ये 3 था ये 4 था तो फंक्शन फिर भी कंटिन्यूस नहीं होना था, अला लिमिट फिर भी एग्जिस्ट कर रही होनी। तो ये कुछ बारीकियाँ हैं जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। कहता है इफ़ द फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ इज़ कॉल्ड रेमन इंटीग्रेबल ऑन ए बी और मोर सिंपली इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट। अब उससे भी आगे आ गया, आगे की बात ये नहीं, पीछे कहीं लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात नहीं की थी, सिर्फ कंटिन्यूस था। तो इसका मतलब है ये थ्योरम उस वक्त अप्लाई किया जाता है कि फंक्शन क्या अगर डिसकंटिन्यूस होगा तब भी चलेगा, यही चीज़ चलेगी। इसमें से एमसीक्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, फिर बच्चे वो आइडिया ये नहीं अगर पढ़ा हुआ उसने तो पकड़ के वही लगा देना कंटिन्यूस वाला। आप तीनों के कंपैरिजन जब करोगे तो फिर आइडिया होना ना, एक ये थ्योरम है, ठीक है जी, एक ये थ्योरम है जो पहला है, दूसरा गया ये वाला, और तीसरा गया ये वाला, तो तीनों का कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा। एक फिर थ्योरम पिछले लेक्चर में भी है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फिर सिंपल सी बात है, ये जो आपने निकालना होता है इसका रेमन सम जो है, जो आपका एरिया अंडर द कर्व बनता है, ठीक है, कि एरिया आप एरिया को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके उसमें जो सबसे बड़ी चौड़ाई है उसको भी 0 के बराबर लेते हो, ये सारा करते हो, ये रेमन सम आ जाता है। दोनों ही रेमन सम्स ही हैं। डेल्टा एक्स जो है
वो इक्वल हो तब भी और डेल्टा एक्स इक्वल ना हो, जिस तरह यहाँ पर नहीं है, तो दोनों सूरतों में कहता है कि आप इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो, तो आ जाएगा आप डेफिनेट इंटीग्रल शुरू हो जाएगा। ये एडवांस फिर आगे आगे टेक्निक आती है। अब वो कहता है अगर लोअर और अपर लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल में सेम होती तो वैसे ही जीरो हो जाता, और अगर लोअर अपर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करोगे तो फिर इसका साइन चेंज कर देते इंटीग्रेशन, वो करवा देता हूँ अभी आपको। फिर प्रॉपर्टीज़ इसकी आती हैं कि अगर आप क्या करते हो किसी फंक्शन से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले वो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, फिर इसकी इंटीग्रेशन करो, अगर सम हो रहे हैं डिफरेंस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करके फिर सम कर लो, लिमिट अप्लाई कर लो। यही वो बता रहे हैं, अगर ए से बी आना है तो एक प्रॉपर्टी ये है कि आप ए से सी तक आ जाओ, फिर सी से बी तक, ये वो कहना चाह रहा है आपसे। ए से बी तक इंटीग्रेशन जो करनी है ना, ए से बी तक आपको चाहिए, तो आप ए से सी तक कर लो प्लस सी से बी तक कर लो, अलाउड। इसी बेस के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ उसने। अब यहाँ पर ये आंसर दिए, एक नंबर है 1, एक 5, एक 3, एक 5, ठीक है, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ, ठीक है, ये अलग है, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना भी दिया हो तो सवाल हो जाए, ठीक है। तो आपको तो चाहिए आंसर 1 से 3 तक, तो अब आप एक ये ब्रेक कर लोगे, आपको हो चलो जी ये 1 है तो ये 5 है, बीच में एक नंबर 3 ले लो, तो 1 से 5 तक जो फंक्शन की इंटीग्रल है वो क्या हो सकता है, 1 से 5 तक को लिखेंगे 1 से 3 तक प्लस 3 से 5 तक। आप जो आंसर दिए वो पुट कर लो ये दोनों, ठीक है, पहले इसको हल करना है तो हल कर लो ना, ठीक है। कैसे करोगे भाई, ये इधर ही रहने दो, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, साइडें चेंज कर लो, इसका आंसर पुट कर दो -1, इसका 3, -4 आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव आंसर आता तो इसका मतलब है ये तो एक्स की डोमेन है ना, तो ग्राफ जो बनता है वो तो वाई के लिहाज से बन रहा होता है, ऊपर या नीचे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो -4 इसका मतलब क्या, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, तो सारे का सारा ग्राफ ही क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे जिस तरह पहले आपको दिखाया था, ठीक है, या ज़्यादा हिस्सा नीचे या थोड़ा सा हिस्सा ऊपर भी होगा। ये तो अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या है, इक्वालिटीज़ है ना, ये इक्वालिटीज़ वगैरह, ठीक है, तो उसमें इन इक्वालिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या है, नेट साइंड एरिया क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना, नेट साइंड एरिया, ये जो नेट साइंड एरिया ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात की हुई है, क्यों भला, क्योंकि यहाँ सारा ग्राफ ही क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसलिए ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ फंक्शन ही सारे का सारा क्या है, 0 या उससे ऊपर है, इस वजह से एरिया ये आएगा। अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो ग्राफ है, एक ग्राफ का जो कर्व है वो ये बनता है वाई ऑफ एक्स का, दूसरा जी ऑफ एक्स का ये बनता है, तो आपको अगर इनके दरमियान का एरिया चाहिए तो क्या करोगे आप, इसी डोमेन ए और बी के दरमियान, वो कहता है एरिया जो होगा एफ का वो ए बराबर होगा या बड़ा होगा एरिया ऑफ जी से, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है ये ऊपर है और ये फंक्शन क्या है, नीचे है, तो जो फंक्शन ग्रेटर होगा यानी जिसमें वाई की वैल्यूज बढ़ी आएंगी, ठीक है, उसका एरिया भी ज़्यादा होगा तो इसका छोटा होगा, लेकिन नीचे एक्स की जो डोमेन होती है वो तो सेम ही चल रही होती है ना, तो वो ये कह रहा है आपसे, दिस सेज दैट इफ ए फंक्शन इज़ नॉन नेगेटिव, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ ही है, द ग्राफ डज नॉट गो बिलो एक्स एक्सिस ऑन ए बी, देन द नेट एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बस वो ये कह रहा है, अगर दोनों ग्राफ ही ऊपर हैं तो दोनों के एरियाज भी क्या होंगे, ठीक है, पॉजिटिव होंगे, और बड़ा ग्राफ जो है बड़े वाई की वैल्यूज वाला जो फंक्शन उसका एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी नस्बत छोटे की, तो आप देख लो ना यहाँ तो ये भी शामिल है ये, जबकि जी ओ फैक्स में सिर्फ इतना है, ये वाला तो नहीं ना शामिल है, जबकि ये किस में शामिल ये और ये एफ में, तो ये कह रहा है, इसलिए वो कहता है कि एफ ओ फैक्स वो लिखना ये चाह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जी ओ फैक्स, नीचे थ्योरम आ जाएगा, ठीक है। पहली तो बात, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका एरिया भी पॉजिटिव, क्योंकि ये अब एरिया को शो करता है, ये वाली चीज़ किसको शो करती है, एरिया को, इसको ए ओ फैक्स भी लिख लेते हैं, लेकिन चूँकि वो कर लेते हैं कि आपके पास ए और बी मौजूद होता है, ठीक है, तो आप इसको जस्ट खाली यही रहने दो, क्योंकि अगर ए बी नीचे लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना, तो फिर एक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये ना हो तो फिर इसको ए ऑफ एक्स लिख देते होते, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, अगर लोअर और अपर लिमिट नहीं है तो फिर जो आएगा एरिया वो फंक्शन एक्स का निकलता है, लेकिन अगर ए बी मौजूद होगा तो उसको हल कर लेते। अब वो कहता है कि अगर एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है किसी एक डोमेन के अंदर, तो उसका एरिया भी जो होगा उसी डोमेन में बड़ा होगा उस फंक्शन के नस्बत, वर्क विद लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये आप काम कर सकते हो ना, यहाँ क्या है ये पॉसिबिलिटी, तो बाकी पॉसिबिलिटी भी चेक कर लोगे, अगर ये इससे लेस देन इक्वल टू होता है, यहाँ ये खाली इससे बढ़ जाता है, वो ये कह रहा है, तभी इसे चेक कर सकते हो आप,
यहाँ ये खाली इससे लेस हो जाता है। ये बेटे मैथ की ज़ुबान है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं एक बात लिख देता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ, ठीक है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अब उर्दू पढ़ने वालों को पता, फ़र्ज़ करो ये पहली मरतबा किसी ने सुना है, ठीक है, तो वो सोचेगा यार ये मुकम्मल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी ज़ुबान आती है, तो ज़ुबान आती है तो आपको ये मुकम्मल नहीं है ना, ठीक है, जिसे आपको आइडिया था। इसी तरह मैथ की अपनी ज़ुबान है, बच्चों को ईट से ये ज़ुबान ही नहीं सिखाई जाती मैथ की, तो फिर इसीलिए वो खौफज़दा होते हैं। अब देखो ये चीज़, यही इसी का सवाल है। अब ये फंक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस इंटरवल में करके देख लो आप भाई। आप 0 से 1 तक पॉइंट में वैल्यू पुट करो ना, तरीका जो होता है करने का, ठीक है, और उसके अंदर आप उसके साइन वगैरह चेक करना शुरू कर दोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्या रिज़ल्ट इसके निकलने हैं, ठीक है। मसलन ये आपके पास है 0 से 1 तक क्या कॉस एक्स है। ये बेटे एक ही मरतबा डिटेल्ड में बता रहा हूँ, ये इतनी कॉम्प्रीहेंशन जो बता रहा हूँ प्रिसाइजली उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स का जिनको जुनून है, तो मुझसे ये ना कहे जी सारा वाहन ने जो है कोई कमी छोड़ दी है, ठीक है। तो अब 0 से 1 तक रेडियन में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये कभी भी नेगेटिव ही आता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। और लेकिन जब इसकी बात करोगे 0 से 1 तक, वैल्यूज़ को सम ही करना है ना, ठीक है। तो वैसे इसको देखो ना आप, 0 से ये 0 और ये क्या है 1, तो आप इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करो, मसलन 0 ही पुट कर लो चलो, तो 2 × 0 का क्यूब माइनस 5 क्या आंसर आएगा। ये 0 है, ये 5 है, तो ये 0 − 5 − 5 ना आ गया, तो इसका मतलब है ऊपर वाला तो पॉजिटिव होगा लेकिन नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो भाई अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर, ये +4 है, इसको डिवाइड कर देते हो किससे, -3 से, तो ओवरऑल आंसर तो नेगेटिव ही होता है ना। कहने का मतलब ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होता है, ठीक है, पॉजिटिव तो तब होता है ना कि अगर ये फंक्शन होता है। नेगेटिव कब होता है, जब इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो कहने का मतलब है अगर ये ओवरऑल फंक्शन जो है, ओवरऑल फंक्शन नेगेटिव होगा, तो इसका जो एरिया निकालोगे वो भी नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फंक्शन नेगेटिव कब होता है, ये फंक्शन सारा नेगेटिव नज़र आ रहा है ना भाई, ऊपर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है जबकि ये नीचे वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। इसी डोमेन के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव निकल रहा है जबकि ये क्या निकल रहा है, नेगेटिव निकल रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ओवरऑल तो ये नेगेटिव ही फंक्शन निकला है अंदर, वो ये कह रहा है। तो जब फंक्शन ही लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो होगा वो नेगेटिव है। तो जब लेस देन 0, यानी ये वाई की वैल्यू लेस देन 0 का क्या मतलब है, यानी ये नीचे की तरफ कह रहा है वाई, ये तो एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई बजाते खुद तो 0 होता है ना इस पूरे के ऊपर, ये तो ओरिजिन है जहाँ एक्स भी 0 वाई भी 0, वैसे इस पूरे के ऊपर लाइन के ऊपर वाई 0 है। अब इससे भी कोई नीचे वैल्यूज होंगी भाई, यहाँ 0 है तो नीचे, इसलिए निचली वैल्यू क्या होती, नेगेटिव नहीं होती। तो जब वाई नीचे की तरफ आ रहा तो सारा एरिया भी नीचे की तरफ आएगा, जिस तरह पहले आपने बताया, जो मर्जी कह लो। ये वो कहना चाह रहा है बस, कि अगर फंक्शन नेगेटिव है तो एरिया का आंसर भी क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बस वो ये कहना चाह रहा है और कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब वो ये कहता है कि फंक्शन एफ इज सेट टू बी बाउंडेड ऑन द इंटरवल ए बी इफ़ देर इज ए पॉजिटिव नंबर एम सच दैट माइनस है। अब फर्ज़ करो कि फंक्शन है, वो एक इंटरवल ए बी के अंदर मिनिमम वैल्यू भी अटेन करता है और मैक्सिमम भी करता है, ये उसका मिनिमम बाउंड है, ये उसका मैक्सिमम, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इन ए बी ज्योमेट्रिकली दिस मीन्स दैट ग्राफ ऑफ एफ ऑन इंटरवल ए बी लाइज बिटवीन द लाइन्स वाई इज इक्वल टू माइनस एम एंड वाई इज इक्वल टू एम, तो इन दोनों के दरमियान लाई करते, क्योंकि ये फंक्शन क्या होता है, इसको पहले समझ लोगे ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, क्योंकि मैथ की ज़ुबान है। ये उन बच्चों के लिए जिनको काफ़ी ज़्यादा शौक होता है मैथमेटिक्स समझने का, ठीक है। ये कुछ वो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग करते हैं, तो ये उनको आर्ट दे रहा हूँ टीचिंग का भी। असल में तो ये है क्या, एफ ऑफ एक्स को कहते तो वाई हो ना, तो अगर मैं यहाँ से 2 वैल्यूज ही निकाल लेता हूँ वाई की, इक्वल जो तुम एक ये और एक क्या ये, तो वाई इज इक्वल टू सम नंबर होता क्या है, पहले तो ये मुझे बताना चाहिए ना आपको भाई, ये वाई 0 एक्स एक्स ही है ना, तो वाई इज इक्वल टू सम नंबर क्या होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव एम है और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ले लो एम, ठीक है, वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ओरिजिन है, ये वाई एक्स एक्सिस है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, 0 होता है। तो ग्राफ जो होगा वो इसके दरमियान में ही रहेगा, चाहे ऊपर नीचे यूं यूं मूव करता रहे। ये तो गलती से ऊपर चला गया ना, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं, इसको लोअर बाउंड कहते हैं, इसको ऊपर कहते हैं, बस मतलब ये आपका कर्व है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर आप देखोगे इसमें पुट करके, तो मिनिमम वैल्यू इसकी चेक कर लो क्या आएगी, और मैक्सिमम क्या आएगी, मिनिमम इसकी 0 निकल आएगी वाई की वैल्यू, मैक्सिमम 4 है, कैसे
इंटरवल क्या, 0 से 2 है ना, ठीक है। तो 0 से 2 आप पुट करके देख लो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर क्या -2 है, सॉरी ये -1 और ये क्या -2, तो करो वहाँ पुट, क्या रिजल्ट आएगा इसमें? -2 पुट करोगे तो क्या आएगा? +4। अभी सिर्फ वो नंबर ले रहा हूँ ना आसानी के लिए, ये 1 आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा आपका 0 पुट करोगे तो मिनिमम क्या आ जाएगा 0, 1 पुट करोगे तो फिर 1 का स्केयर +1 आ जाएगा, तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो 0 से लेके कहाँ तक y की, ये y की वैल्यूज़ हैं, x की नहीं है, इसका ताल्लुक यूँ है y एक्सिस के साथ, यानी ये आपका 0 है तो ये ऊपर क्या 4 है, ठीक है। यानी x की वैल्यू जहाँ 0 है, y भी वही है, x एक्सिस पे 0 होता है ना, और ये इन दो लाइंस के दरमियान में ये मूव करेगा, यहाँ y 0 है और यहाँ क्या है y इज इक्वल टू ये 4 है, उसने 5 कहा हुआ, ठीक है। तो वो कंपोजिंग एरर भी बाज़ औक़ात होते हैं। आखिर में एक चीज़ याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो बताने कहता है लेट एफ बी ए फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड एट ऑल दी पॉइंट्स इन द इंटरवल। डिफाइंड का मतलब क्या है? फंक्शन ऐसा है उसमें, इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इन्फिनिटी नहीं आएगा आंसर, जिस तरह यहाँ कोई इन्फिनिटी तो नहीं ना आ रहा। अब ये इंटरवल था, इसमें मैंने कोई भी वैल्यू पुट की तो यहाँ वाई का आंसर तो इन्फिनिटी नहीं ना आ रहा, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल कौन सा -2 से 2, इसका ये मतलब होता है। फिर वो कहता है इफ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी देन एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ठीक है। तो पहले आपने कंटिन्यूस का तो थ्योरम पढ़ लिया होगा कि अगर एफ कंटिन्यूस होगा तो वो इंटीग्रेबल भी होगा। दूसरा क्या है कि इफ एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, कि अगर वो बाउंडेड होगा एंड हैज़ ओनली फाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन ए बी देन एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी। फिर वो ये कहता है कि अगर ए बी क्या हो, एफ जो होता है बाउंडेड हो जाता है, जिस तरह ये फंक्शन मैंने बताया ना, ये बाउंड है। अगर कोई भी ग्राफ जो है, फर्ज करो ये यूं से यूं चल रहा है, मैं इसकी बात करूँ, बाउंडेड है, तो वो कहता है कि अगर उसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे भी, फाइनाइट से मुराद क्या 2 या 4, तो फिर भी वो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल हो जाता है। उसके लिए एक ट्रिक लगाया जाता है, वो बताता हूँ कि जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है, वैसे वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर आपको नहीं याद है तो मैं पढ़ा दूंगा दोबारा से, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जहाँ स्टार्ट होती है ना, वहाँ से आगे पीछे लेक्चर्स में से होगा, नहीं तो फिर आगे दोबारा आ जाएगा। तो कहता है कि वो फिर भी क्या होगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। जो जो चीज़ इंटीग्रेबल होती है, इसका मतलब उसका एरिया निकलता है, असल में ये कहना चाह रहा है। फिर वो ये कहता है इफ़ एफ इज़ नॉट बाउंडेड, अगर वो बाउंडेड ही नहीं है, ना ऊपर की हद का पता है ना नीचे की हद का पता है, तो फिर एफ इंटीग्रेबल नहीं होता है। तो एफ इंटीग्रेबल कब होता है? अगर वो कंटिन्यूस हो तब वो इंटीग्रेबल होता है, डिफाइंड होना तो शर्त उसने बताई दी। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर वो बाउंडेड हो लेकिन पॉइंट उसमें डिसकंटिन्यूटी के हों, लेकिन कौन से फाइनाइट, 2 या 4 या 6, जिसको हम इंटीग्रेशन की ट्रिक के जरिए बैलेंस कर लेते हैं, तो बाउंडेड फंक्शन हो चाहे फिर डिसकंटिन्यूटी हो, तो तब भी आप उसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, यानी एरिया इसमें उस फंक्शन के लिए इस क्लोज इंटरवल में निकाल सकते। लेकिन अगर फंक्शन ही बाउंडेड नहीं है, ना ऊपर किसी तरफ बाउंड नीचे, तो फिर वो इंटीग्रेबल भी नहीं, यानी उसका एरिया भी नहीं निकाल सकते। भाई देखो ना, ये अगर बाउंड है तो ही आप इसका एरिया निकालोगे ना। अब अगर ये चीज़ ही ऊपर की तरफ जाई जा रही है, कितना ऊपर लेके जाओगे, आपके सफ़े ख़त्म हो जाएंगे, आसमान तक तो नहीं जाओगे, वो तो अल्लाह मियाँ के पास ही जाओगे, तो वहाँ जाने के रास्ता वापसी थोड़ी, ये वो कहना चाह रहा है। तो इसलिए ये जो इस तरह के दोनों लेक्चर्स हैं ना आपके, ठीक है बेटे, सारा मैथ कोई आसान मैंने थोड़ी बनाया हुआ है, ये मैथ मैं तो समझा ही रहा हूँ ना आप लोगों को, तो इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। देखो बेटे मेरी बात सुनो, मिस किंजा बिलाल की तरह मैं आपको बहुत खूबसूरत नोट्स बना के दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को हर चीज़ काम नहीं कर रही होती है, क्योंकि वो पेपर पॉइंट भी उससे बहुत अच्छे हैं, नॉलेज भी उसमें है, लेकिन वो अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, ठीक है। उसकी एक वजह ये है, उसकी वजह ये है कि मिस किंजा बिलाल बहुत एक्सेलेंट टीचर हैं, मैं उन्हें एडमायर करता हूँ, लेकिन उनकी सब्जेक्ट स्पेशलिटी शायद मैथमेटिक्स नहीं होगा। उसकी वजह कुछ वीडियोज़ मैंने उनकी देखी हैं, मसलन MTH 301 के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर उन्होंने कन्वर्जन करते हुए बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ था, ठीक है, लेकिन वो मैंने नहीं मेंशन किया ना, वो चीज़ उस तरह एक्सप्लेन होती। इसका मतलब क्या होता है कि टीचर को कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं, इसका मतलब वो सीएस की तो मैं भी स्टूडेंट होंगी, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज जो होता है वो अल्लाह ताला ने हर एक को बांट के दिया होता है, और टीचिंग स्किल वो भी डिफरेंटली होते हैं। ये जो मैं एक मरतबा आपको लेक्चर बना के दे दिया है ना, आप चाहे 10 मरतबा इसको सुनोगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ह्यूमन एरर है, वो मुझसे कहीं हो सकता होगा, वो किसी से भी हो सकता है, वो मैं भी लेटर ऑन मुझे याद है तो मैं आपको दोबारा करेक्शन अगले लेक्चर में कर दूँगा, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों के लिए बेटे ये जो अकेडमी है वो आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च की है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है सारा कुछ, ठीक है,
ये एकेडमी मैंने आप लोगों के लिए बड़े लॉन्च की हुई है, किस लिए कि आप लोग जो बच्चे नॉलेज करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं, बहस मुबाइस से चाहते हैं, ये कैसे वो कैसे, ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है। और सुन लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, ठीक है। वीडियो लेक्चर में 101 और 4 बुक से तो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पेपर्स आपके स्टार्ट होंगे तो ये मैं बताने लगा हूँ, मैं लाइव क्लासे लिया करूँगा जी। किसके ऊपर? इस पर नहीं, यूट्यूब पर, एक टाइम में, ठीक है। आप अपनी राय दीजिएगा, मॉर्निंग में पढ़ना जाएगा या इवनिंग में, ठीक है। इवनिंग का मतलब क्या होगा मालूम है? जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स कैंपसेस के अंदर, उसके बाद वो फ्री होते हैं, ये ताल्लुक होता है टाइम 9 बजे के बाद का, ठीक है। वो 9 से फिर चल सो चाइल्ड भी होता, आ गई बात समझ में? फिर आना, जो मर्ज़ी पूछ लेना, बता दूँगा, ठीक है। और उसके बाद बेटे जैसे ही आपके पेपर ख़त्म होने हैं तो मैंने प्री क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। कौन सी? जिस तरह प्री फर्स्ट ईयर नहीं होता, ये प्री क्लासेस कौन सी होंगी आपकी? जो भी बच्चा है जिसका अगला सेमेस्टर है, जीरो सेमेस्टर वाले फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट वाले सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, सेकंड वाले थर्ड में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी दोनों ही है, इकोनॉमिक्स भी है, थर्ड वाले फोर्थ में करते हुए कहाँ तक है, मैंने तो 8th सेमेस्टर तक के सारे मैथ पढ़ा दिए ये लोग, ठीक है। तो वो प्री क्लासेस चलेंगे, आगे बात समझ में? तो अब आप लोगों की अपनी चॉइस होगी, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर जब पेपर स्टार्ट, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फिर आपको फिक्र होती है भाई 2 माह में सिलेबस क्या है। 1 माह जो बच्चा पढ़ेगा, देखो पेपर ख़त्म होने से और क्लासेस चलने के दरमियान में ऑलमोस्ट आपके पास तकरीबन 45 दिनों से लेके तो फाइनलाइज होते हुए तकरीबन हम कमोबेश कहते हैं 60 दिन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आराम से, मैं तसल्ली से डेली क्लासेस, क्योंकि 22 तो लेक्चर करने होते हैं, ठीक है, मैं डेली आपकी क्लास लिया करूँगा। 1 हफ्ते में 6 लेक्चर, 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर आपके 22 कवर हो जाने, फिर उन्हीं के रिवीजन करें, फिर उन्हीं के टेस्ट, कैसा आ गई बात समझ में? फिर जब मिड के पेपर होंगे तो उसमें 2 हफ्ते वीक फारग होते हैं, उसके अंदर फिर प्री क्लासेस लूँगा, वो 2 हफ्तों के अंदर ही आपके 12 लेक्चर ख़त्म कर दूँगा, आई बात समझ में? ये प्री क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, बाकी देखते हैं अब कैसा रिस्पॉन्ड आता है। गॉड ब्लेस यू।